तो हेलो माय डियर टीम एंड माय ऑल फैमिली मेंबर्स, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। आप सबके साथ की वजह से ही हम लोग आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि हमें बहुत सारे बच्चे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और हम सब की मदद से बच्चे भी बहुत कुछ सीख पा रहे हैं और हम भी बच्चों से बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। तो ये पॉसिबल हो पाया है आप सबकी मदद से, आप सबकी नॉलेज से और आप सबके साथ से। तो आज स्पेशली जो हमारा मीटअप रखा गया है, ये एक तो आप सबको बच्चों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, और दूसरा दिवाली का ये पावन पर्व है तो इसको हम सभी फैमिली मेंबर्स एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके लिए हमारा ये मीटअप है। और मैं आप सभी को ये कहते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो एक मोबाइल फ़ोन से, नॉर्मल से ट्राईपॉड पे स्टार्ट की थी ये जर्नी, और आज हम लोग एक डिजिटल स्टूडियो के साथ, बल्कि दो डिजिटल स्टूडियो के साथ क्लासेस को कंडक्ट कर रहे हैं। और आप सब भी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं बच्चों के कमेंट्स देखता हूँ आप सबकी वीडियो के लिए, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से सर हमें मेहनत करनी है, बच्चों के साथ जुड़े रहना है और मिलजुल के आगे बढ़ना है और बच्चों को भी आगे लेके चलना है साथ में, ठीक है। तो फाइनली बच्चों, आप सब के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे सभी फैमिली मेंबर्स और टीचर्स मेहनत कर रहे हैं आप सब के लिए, उतनी ही ईमानदारी के साथ आप सबको भी मेहनत करनी चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और बहुत कुछ अचीव करना चाहिए। हम लोग भी इस समय आपसे बहुत कुछ सीखते हैं और आप भी इसी तरह से सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आज हम लोग दिवाली के इस पावन पर्व पर इंजॉय कर रहे हैं सभी लोग आपस में मिल करके, डेफिनेटली आप भी इंजॉय करेंगे और करिएगा ज़रूर। बट थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि हम लोग जब दिवाली मनाते हैं तो जो पटाखे वगैरह आते हैं मार्केट में, तो हम लोग बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पटाखे ले लेते हैं, जो एक तरह से इन्वायरमेंट को तो हानि पहुँचाते ही हैं, उनकी वजह से हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। कई बार बहुत बच्चे अपनी स्टाइल के लिए कि हम हाथ में पटाखा छोड़ सकते हैं जला के, और हाथ में छोड़ने की कोशिश करते हैं और बहुत बार हाथ में चोट भी लग जाती है, उसकी वजह से हाथ जल जाता है। तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना है। आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से इन चीज़ों को समझते हैं कि दिवाली का जो त्यौहार है ये खुशियों का त्यौहार है, हमें एक दूसरे से मिलना है। आप लोग एक दूसरे से मिलें, मिठाइयाँ खिलाएँ, एक दूसरे से प्यार बांटें, जिनसे भी आपके अब तक कोई भेदभाव रहे हैं, मतभेद रहे हैं, उन सब से भी एक बार गले ज़रूर मिलें, ये हमारे आदर्शों को दर्शाता है। तो आज हम भी अपनी टीम के साथ थोड़ा सा कुछ टीचर्स के लिए गिफ्ट हैं जो अपनी तरफ से प्रोवाइड करना चाहते हैं, और मिठाइयाँ एक दूसरे के साथ हम यहाँ पर खाएंगे, पिएंगे, इंजॉय करेंगे थोड़ा सा, और आप सब भी कीजिएगा डेफिनेटली। तो हमारी टीम जिस तरह से मेहनत कर रही है बच्चों आप सबके लिए, आपको ज़रूर बताना है कमेंट करके कि हमारी टीम की मेहनत आपको पसंद आ रही है। अच्छा, सबसे पहले आप सब एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे हमारी टीम कैसी लगी आप सबको। एक एक करके मैं सभी से आपको मिलवाऊंगा भी यहाँ पर, सभी लोग आएंगे और आप सबको दिवाली विश भी करेंगे यहाँ से, तो आप सबसे मिलेंगे। तो मैं अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप सबके समक्ष वन बाई वन सभी को बुलाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करा दूँ, मेरे साथ जो बैठी हुई हैं ये हैं शालिनी मैम, माई वाइफ, जिनका बहुत ज़्यादा साथ रहा मेरे इस सफ़र में। तो मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी बच्चों से? हेलो हाय। हेलो बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगा अपने ही टीम के बहुत होनहार टीचर जो हमारे साथ रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं। बहुत लंबा समय तो सर को नहीं हुआ है हमारे साथ, लेकिन हाँ इतने समय में ही सर ने बच्चों के बीच में जो प्यार पाया है, जो अपनी पहचान बनाई है बच्चों के बीच में, वाकई काबिले तारीफ है। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर सचिन सर को। सर प्लीज़ आप आएँ, बच्चों से दो शब्द कहें, बच्चों को दिवाली विश करें। सचिन सर हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाते हैं, आप सब में से बहुत सारे बच्चे इनको जानते होंगे पहले से। सर प्लीज़ बच्चों से दो शब्द कहें। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। पहले तो मैं आप सभी टीममेट्स का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बच्चों को कुछ डिलीवर कर सकूं, और इस दिवाली के पावन मौके पे मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि देखिए होता क्या है कि आप बिल्कुल एक दिए की तरह होते हैं, बिल्कुल एक दिए की तरह होते हैं, जिसकी जो लौ होती है बच्चे क्या होती है, चारों ओर प्रकाश देती है। तो
तो आप बिल्कुल उस दिए की तरह है जिसका जो प्रकाश होता है, यानी कि जिसका जो ब्रेन होता है वो क्या करता है कि हर तरफ अपना ज्ञान क्या करता है, प्रकाशित करता है। तो आप अपने भविष्य में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और जो अपना ज्ञान है वो चारों तरफ डिलीवर करते रहिए। और इस दिवाली पर मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना व्यवहार इस तरह से बनाए रखें कि आपसे जो औरतें हों या लड़कियाँ हों वो आपसे सेफ महसूस करें, ये आपकी प्रायोरिटी है और इस पर आप ध्यान दें और अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जी सर। सर आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है जीटेक पॉली की तरफ से, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे रिसीव करें। आइए, आपका प्यार, बच्चों का प्यार, हम सब का प्यार है। आए सर, फोटो क्लिक कर लीजिए कोई। थैंक यू सर, प्लीज़ बैठिए। तो बच्चों, ये थे हमारे सचिन सर, जिनको आपने देखा, सुना और मिले। काफ़ी अच्छे हैं सर और नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग तो पर्सनली भी मिलते हैं एक दूसरे से, काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा आप सबके बीच हमारे दूसरे टीम मेंबर जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अभी ही हमारे साथ रिसेंटली जुड़े हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा सर को। प्लीज़ राकेश सर, आप आएँ, बच्चों से मिलें, इंट्रोड्यूस करें बच्चों को। आइए सर, प्लीज़। थैंक यू गौरव सर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा सर, आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने का मौका दिया और जो नॉलेज थी मेरी, जो मैं बच्चों तक डिलीवर नहीं कर पा रहा था, जो मेरे अंदर पोटेंशियल है, जो नॉलेज है, जो अच्छे वे में सरल तरीके से बच्चों को डिलीवर नहीं कर पा रहा था, उसको मैं आसानी से अब डिलीवर कर पाता हूँ। और मैं देखता हूँ कि बच्चों का जो प्यार मिल रहा है कमेंट के माध्यम से या लाइव में बच्चे जब जुड़ते हैं, तो वो देख के लगता है कि हाँ, हम शायद टीचिंग के लिए ही पैदा हुए हैं। क्योंकि हर एक इंसान अगर पैदा होता है, इस धरती पर आता है, तो उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है जिसको वो अपने जीवन काल में पूर्ण करता है। बेटा, आप भी हैं, आपका भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा जीवन में। जब आप आते हैं तो आपका गुड लक भी आपके साथ आता है और आप अपने लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा टर्न आपके लाइफ में आता है जो लगता है कि नहीं, हम साथ इसीलिए पैदा हुए थे। जैसे आप अगर एग्जांपल लें, जैसे आप लोग डिप्लोमा के बाद कल के डेट में अगर आप तैयारी करेंगे और आप जेई बन जाते हैं, अच्छे डिपार्टमेंट पाते हैं, CPWD पाते हैं, MES पाते हैं, CWC पाते हैं, तो उस दिन आपको लगेगा कि हम शायद अपनी पीढ़ी को, जो मीडियम थी, मीडियम क्लास से आ रही थी, या जो गरीबी फैमिली थी, शायद हम उस जनरेशन को वहाँ से बूस्टअप करने या वहाँ से हम पीढ़ी को चेंज करने के लिए आए हैं जनरेशन को। बेटा, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली पर्व की। डेफिनेटली आप इंजॉय करिए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए और एक बहुत ही एक रिच टाइम आप अपने फैमिली के साथ बिताइए। और बाकी गौरव सर को मैं और मैम को भी दोबारा धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि मैं इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म पर बहुत कम टाइम में आया हूँ और बच्चों से इतना रीच कर पा रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को जो भी पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, वो आपको डेली क्लास करना है, वीडियोस देखने हैं और इसी तरह के आपका जो प्यार है वो जीटेक पॉली पे बनाए रखना है। अगेन थैंक यू। तो अब हम राकेश सर का आपने सुनी लिया सब कुछ, बहुत प्यारे सर हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते भी हैं आप सबको, बहुत इंटरटेनमेंट भी कराते हैं, पर्सनली भी सर बहुत अच्छे हैं। तो अब हम चाहते हैं जीटेक पॉली परिवार की तरफ से सर को एक छोटा सा गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करें। सर प्लीज स्वीकार करें आप इसे। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा जिनसे आप पहले से परिचित हैं और बहुत लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, जो जीके जीएस के एक्सपर्ट हैं, एसएससी जेई में भी वो आप सबको बहुत इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल टीचर हैं और आप लोगों को यूट्यूब पर भी सर ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर अमर सर को। सर आए आप प्लीज़, और बच्चों से दिवाली के इस पावन पर्व पे दो शब्द कहें। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आप सभी बच्चों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप सभी को पटाखे बिल्कुल नहीं फोड़ने हैं, ठीक है, साल में एक बार त्यौहार आता है आप सभी को, तो पटाखे खूब फोड़िए, लेकिन सुरक्षित तरीके से आपको पटाखे फोड़ना है। और सच बताऊँ तो ये जो जीटेक वाली प्लेटफॉर्म है बच्चों, गौरव सर के साथ में जब से मैं जुड़ा हूँ, मैंने गौरव सर को मेहनत करते हुए देखा है शुरू से ही। तो उनका जो मकसद होता है कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करें, तो मैंने भी यही सोचा हुआ है गौरव सर की तरह, आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना जितना भी मेरे अंदर नॉलेज है वो मैं आप सभी को प्रदान करूँ, उसके बाद आप सभी जो हैं जिस तरीके से अपना सिलेक्शन ले पाएँ अच्छे तरीके से, ठीक है भाई।
तो बस यही कहना चाहूँगा, आप सभी को बहुत बहुत दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल अच्छे से रहें, परिवार के साथ में प्रेम से रहें, ठीक है, और सुरक्षित तरीके से रहें। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे आपके अमर सर, जो कि बिना गिफ्ट लिए भागने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम जाने नहीं देंगे सर आपको अभी। तो सर को भी हम एक छोटा सा गिफ्ट है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके लिए, आपकी मेहनत के लिए और आपके साथ के लिए। अब मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ। बेसिकली कैमरे के सामने तो हम सब की बहुत अधिक मेहनत होती है, बट जो कैमरे के पीछे मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, जिनकी सबसे ज़्यादा मेहनत रहती है कैमरे के पीछे, जो कंटेंट पे काम करते हैं, टाइपिंग पे काम करते हैं और जो टेक्निकल इशूज आते हैं उनमें हेल्प करते हैं, तो उन्हीं को मैं बुलाना चाहूँगा। उन्हीं में से एक हैं हमारे साथ मिस्टर गोपाल सर, जिनका हमारे साथ बहुत लंबा सफ़र रहा, लगभग 1.5-2 साल से सर हमारे साथ हैं। सर आप आएँ प्लीज़ और बच्चों से 2 बातें कहें। थैंक यू सर। सभी बच्चों को हैप्पी दिवाली, दिवाली का खूब आनंद लें और अपने परिवार के साथ अच्छे से दिवाली मनाएं। और गौरव सर को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि गौरव सर मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं, और आप लोग भी गौरव सर की तरह मेहनत कीजिए और जय बनिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो सर के लिए भी हम एक गिफ्ट लाए हैं, सर प्लीज़ आप इसे स्वीकार करें। अब हम बुलाना चाहेंगे उनको, जो आप देखते हैं बच्चों एसएससी जेई का जो कंटेंट रहता है हमारा, तो उसमें भी बैक एंड पर हमारे साथ एक, मैं टीचर तो नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि आपकी तरह ही एक बहुत मेहनती बच्चा है, जो हम सब के साथ मेहनत करता है और बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बैक एंड पर बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है उनकी, सामने तो शायद आपने इतना ज़्यादा उन्हें नहीं देखा होगा, बट अब आप देखेंगे, उनसे मिलेंगे। तो मैं इन्वाइट करना चाहूँगा मिस्टर हर्ष त्यागी सर को। सर आप आएँ प्लीज़ और बच्चों से 2 शब्द कहें। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत करते रहिए, और जीटेक पोली फैमिली आपको हर तरह से सपोर्ट करेगी। आपने देखा भी होगा जीटेक पोली आपको हर जगह सपोर्ट करती है, अच्छे से अच्छे टीचर आपको प्रोवाइड किए हैं, अच्छे से अच्छे आपकी क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। तो इसी तरह से हम लोग भी आपके बैक एंड में बहुत मेहनत करते हैं, तो आप भी पढ़िए अच्छे से और अच्छे से अच्छा रिजल्ट दीजिए। थैंक यू। तो अब हर्ष सर को भी हम एक गिफ्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं सर की मेहनत के लिए। थैंक यू सर। तो अब बच्चों मैं उनको इनवाइट करूंगा, जिनको इनवाइट करने से पहले थोड़ा समय लेना चाहता हूं मैं आप सबसे, क्योंकि इनके बारे में मैंने अब तक शायद आपको कुछ नहीं बताया, थोड़ा सा बता देता हूं कम शब्दों में मैं आपको। अब जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूं बच्चों, वास्तव में जीटेक पॉली की जो नींव रखी है ना, उन्होंने ही रखी है। जब सबसे पहले पढ़ाना मैंने शुरू किया था ऑनलाइन माध्यम से, तो तब आप सबको शायद आप में से बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, स्टार्टिंग में इस प्लेटफॉर्म का नाम था मेरे नाम से, गौरव सिंह सिविल के नाम से था। जब आप सब ने इतना ज़्यादा पसंद किया, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो सर ने कहा सर आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हमें भी थोड़ा थोड़ा अपने आप में अपडेट करना चाहिए, तो सर प्लीज़ पहले आप नाम चेंज करें इसका। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप बताएं क्या नाम रखा जाए। तो फिर उसके बाद जो जीटेक पॉली नाम है ना बेटा, ये नाम ही आपके अपने शुभम सर ने दिया है, जिनको अभी मैं बुलाऊंगा आप सबके समक्ष। तो जीटेक पॉली का नामकरण शुभम सर के द्वारा हुआ है। सर से आप पूछ भी सकते हैं सर किस तरह आपके माइंड में जीटेक पॉली ही आया। दूसरी चीज़ मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, जब हमने बिल्कुल पहले बच्चे से पढ़ाना शुरू किया ऑनलाइन माध्यम में, उस टाइम से शुभम सर हमारे साथ हैं। स्टार्टिंग में बैक एंड पर सर की मेहनत रहती थी, और अभी आप सर को सामने से भी देखते हैं। कंप्यूटर साइंस की जितनी भी क्लासेस चलती हैं हमारे एसएसएफर्ट प्लेटफॉर्म पे, सारी क्लास सर ही डील करते हैं। आप सब ने वहाँ भी सर को देखा है, जीटेक पॉली पर भी सर को देखा है। कंप्यूटर साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो सर आपको पढ़ाते हैं। जब हमारे टेक्निकल बड़े बड़े इशूज आ जाते हैं तो उन सबको भी सर ही रिजॉल्व करते हैं, बिकॉज सर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। और मैं अभी अपने मुँह से तो नहीं कहूँगा, सर आएँगे आपको एक बड़ी अच्छी बात बताएँगे जीटेक पॉली के बारे में, जो कि बहुत दिन से आप सबकी डिमांड भी थी कि सर जीटेक पॉली की अपनी वेबसाइट कब आ रही है। तो डेफिनेटली जो वेबसाइट क्रिएट की है वो हमारे शुभम सर ने क्रिएट की है, उसके बारे में थोड़ा सा सर आपको बताएंगे भी। जीटेक पॉली की वेबसाइट क्या पब्लिक हो चुकी है, क्या वो लाइव है नहीं है, और किस तरह की वेबसाइट है, इस पर हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं इन फ्यूचर में, आपको कम शब्दों में सर आपको जानकारी देंगे, और सर आपको दिवाली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। तो मैं आप सबके बीच इन्वाइट करना चाहूँगा उनको, जो मेरे छोटे भाई भी हैं और काफ़ी लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल 0 लेवल से हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर प्लीज़ आप आएँ और बच्चों को इंट्रोड्यूस करें एक बार, उन्हें बताएं
अपने बारे में, जी टेक पॉली के बारे में, वेबसाइट के बारे में, स्पेशली इस पर कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। आइए सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने इतना कुछ बता दिया मेरे बारे में, तो मुझे कुछ बोलने का कुछ मौका ही नहीं मिल रहा है, ना मुझे वर्ड मिल रहे हैं कि क्या बोलूं सर के बारे में। तो बेसिकली जी टेक पॉली जो नाम दिया गया है वो जरूर पूरा पूरा मेरे ऊपर पूरा श्रेय दे रहे हैं सर, ऐसा नहीं है, हम दोनों लोगों ने मिलकर ही सोचा था जी। तो इसमें हम दोनों की सहमति हुई है, तब दोनों इसका नाम पड़ा है जी टेक पॉली। और आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि बहुत कम टाइम पे आप लोगों के सपोर्ट की वजह से जी टेक पॉली यहाँ तक पहुँच पाया है। ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत कम टाइम पे आज हम इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। और आज लगभग हमारे पास जितना ऑनलाइन भी सुविधा होनी चाहिए सब कुछ आपको प्रोवाइड करने के लिए सब कुछ उपलब्ध है, वो टेक्निकल के माध्यम समझे चाहे वो एप्लीकेशन हो। टेक्निकल बोर्ड बहुत ज़्यादा मांग डिमांड हो रही थी कि हम लोग व्हाइट बोर्ड पर सर हमें कंटेंट पसंद नहीं आ रहा अदर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, जिस तरह से अगर कंपैरिजन करें तो वो सब भी सुविधा मिल गई है। लेकिन अब जो एक चीज़ हमारा बाकी था वेबसाइट, तो वेबसाइट में इतना बहुत काफ़ी टाइम से काम चल रहा था, लेकिन आज इस दीपावली के अवसर पे हम अपनी वेबसाइट भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका अगर डोमेन नेम अगर इसकी बात करें कि मतलब जो वेबसाइट का नाम क्या है वो आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इन प्रेजेंट अभी वो लाइव हो चुकी है, अभी बहुत सारे उसमें फ़ीचर्स बहुत सारे आने बाकी हैं, वो समय के साथ साथ अपडेट होते रहेंगे। तो आप www.gtechpoly.com से गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपके सामने वेबसाइट जी टेक पॉली की आपकी खुल के आ जाएगी। इस दीपावली के अवसर पर आप सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, इंजॉय करते रहना जो भी त्यौहार है, खुल के इंजॉय करना विद सेफ्टी। तो सर ने बच्चों आप सबको बता दिया है, सर ने आप सबको बता ही दिया है कि जी टेक पॉली की वेबसाइट जो है वो भी लॉन्च हो चुकी है, आप सब विजिट कर सकते हैं, गूगल पर देख सकते हैं। शुभम सर ही उसको पूरी तरह से हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, कोई भी नई अपडेट उसमें अगर आपको देखनी है या आप चाहते हैं कि सर ये फीचर भी होना चाहिए, डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिखिएगा, ज़रूर सर उसे भी उसमें ऐड ऑन कर देंगे। तो अब हम जी टेक पॉली परिवार की तरफ से सर को भी एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहते हैं, सर प्लीज़ आप इसे स्वीकार करें आपकी मेहनत के लिए। तो आज का दिन बच्चों हम सबका बहुत अच्छा रहा, और हम इसी उम्मीद के साथ आप सबको भी बहुत सारी विशेस देते हैं कि आपका भी जो दीपावली का दिन है ये भी और आने वाला हर एक दिन बहुत अच्छा रहे। मैं दो लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा आप सबसे कि डे बाई डे आपकी खुशियाँ हो जाएं डबल, आपकी ज़िंदगी से डिलीट हो जाएं सारे ट्रबल, ट्रबल मतलब बच्चों कठिनाइयाँ आप सब जानते हैं। तो डे बाई डे आपकी खुशियाँ हो जाएं डबल, आपकी ज़िंदगी से डिलीट हो जाएं सारे ट्रबल, भगवान सदा आपको रखे स्मार्ट एंड फिट, और आपके लिए आने वाला हर एक दिन हो सुपर सुपर हिट। थैंक यू सो मच, विश यू ए वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।